जाने के दिल की फीलिंग्स जैसे अनुरोध को पता चलती है तो अब वो खुद को रोक नहीं पाता। अब यहाँ पे भी जब सारी रस्में हो रही होती है तो एक एक करके अनुरोध के दिल में कहीं ना कहीं जाने के लिए जो प्यार उठता है और जनक भी खुद का समर्पण उसके सामने कर देती है। उसका तो पैर पकड़ के रोने तक लगती है क्योंकि इसको याद आती है कि अगर ये दूर हो जाती है तो फिर ये इसे जी नहीं पाएगी। और वो लाखों का जो हीरो का हार लेकर आता है तो दमासान निकटबल हो जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो एपिसोड की स्टार्टिंग बालकनी से हुई होती है। जब यहाँ पे जाती है उसको लौटाने के लिए उसके सारे सामान को तो लेना नहीं चाहता, बट बाद में जब उसकी कंडीशन के बारे में पता चलता है तो फैसला करता है कि ठीक है तुम मुझे दे दो। लेकिन बार बार जनक सिर्फ एक ही बातें पूछ रही होती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो क्या मेरी याद आपको आएगी। तो बोलता है कि यादें तो आएंगी लेकिन मैं कैसे दिखाऊं कि मेरे दिल की बात क्या है। अब वहां पे चुपचाप होता है और जनक बोलता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि इसको लगता है कि अगर ये यहाँ पे ज्यादा देर रही तो ये खुद पे काबू खो देगा और फिर अपने दिल की फीलिंग्स को बोल ही देगा। और वो ऐसा नहीं करना चाहता, वो सिर्फ इतना बोलना चाहता है कि जनक तुम्हें तुम अपने सपनों को जीना होगा और तुम्हें जो अपनी मॉम का बदला लेना था तुम्हें वो बदला लेना ही होगा। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई हैं उनको सबक सिखानी है जनक, तुम वादा करो कि तुम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखोगी और एक सफल इंसान बनोगी। तो वो वादा तो नहीं करना चाहते क्योंकि उसको लगता है कि अगर शादी हो जाती है किसी भी कंडीशन में तो फिर तो इसके सपने टूट जाएंगे, तो ये वादा करके कोई फायदा नहीं है। ये यहाँ से चली जाती है। जस्ट अपोजिशन में दिखाया जाता है अब छोटन का, जो बच्चों का जुगाड़ करके कैसे भी स्कूल तो पहुंचता है और मैडम के पास जाकर के पूरा तमाशा क्रिएट कर देते हैं। बच्चे उनको भूख लगी है, ऐसा ड्रामा करना होता है और छोटन को ना बहुत अच्छा खासा इनाम मिल जाता है, मतलब कि जो बुक्स बेचना चाहता था वो मैडम डी खरीद लेती है। और अब यहाँ पे थोड़ी सी इनके बीच की जो दूरियां होती है वो खत्म होने लगती है क्योंकि मैडम डी भी उसको पसंद करने लगती है कि ये कैसा इंसान है, मतलब अच्छा तो है ही और दिल का भी थोड़ा साफ ही है। लेकिन जो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी लेकर के जाओ और इनको छोड़ करके आओ, तो ड्राइवर सारी सच्चाई जान जाता है कि वो लड़कियां उसकी बेटी नहीं है बल्कि वो एक फ्रॉड है। तो ये सारी चीजें बेहतरीन तो होगी ही होगी जो मजेदार होगी। खैर जस्टिस का पोस्टर में दिखाया जाता है अनुरोध के घर से सीन। अब यहाँ पे जब जनक को तैयार कर रहे होते हैं लोग क्योंकि शाम को आशीर्वाद सेरेमनी है और वहां पे जनक सबसे आशीर्वाद लेगी और उसके ससुराल वाले भी आएंगे, ये सारी चीजें होगी। तो अब यहाँ पे अनुरोध क्या करता है कि बहुत सारे महंगे महंगे चीज लेकर के आता है। ऑलरेडी सृष्टि लेकर के आई होती है लेकिन उसके गिफ्ट को जनक एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। उसको लगता है कि आप मेरी मासी हैं और आप मेरे लिए इतना खर्चा क्यों कर रही है। तो वो तो बोलती है कि तुम्हारी माँ हमारे घर में मेड थी और तुम मेरी बेटी के ससुराल में मेड हो, तो इतना करना तो फर्ज है हमारी लड़की, तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ। तब तक अनुरोध चला ही जाता है और वो हीरे का हार लेकर के आया होता है 10-12 लाख का। और अब जो साड़ियाँ लेकर के आया होता है बनारसी साड़ी, वो एक एक साड़ी 4-4 लाख की होती है और इतनी सारी चीजें देखने के बाद अर्जी के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है कि आखिर अनुरोध ऐसा क्यों कर रहा है और इतने सारे पैसे। तो वो भी बोल देता है कि पैसे मैंने कमाए हैं तो खर्च करने का अधिकार मेरा है और मैं कुछ भी करूं इन पैसों का तुम मुझे नहीं बता सकती। और वहां पे दृष्टि के भी मजाक उड़ाने लगता है कि अगर आप जाने के लिए गिफ्ट्स लेकर के आ रही हैं और अगर आप इसे मेड समझती हैं और इसके लिए इतना कुछ कर रही हैं तो फिर मैं तो इसको अपना दोस्त समझता हूं ना, और मैं इस लड़की को लेकर आया हूं तो मेरा इतना करना फर्ज है और पैसे मेरे हैं तो कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। अपनी मॉम के खिलाफ चला जाता है, पूरी अर्जी की कंदान की ही बेइज्जती कर देता है। और अर्जी जब इस चीज को देखती है कि तुम मेरी मॉम से इस तरह कैसे बातें कर सकते हो तो बोल देता है कि ये लास्ट वार्निंग है, आगे से जनक मेड नहीं है, ये चीजें इन्हें याद रखना होगा, वो मेरी दोस्त है, मैं उसको लेकर के आया था और मुझे उसकी मदद करना ही हो। हालांकि लफड़े तो होते हैं और इसके बीच में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है लेकिन जो पोस्ट सीन होता है वो मजेदार होता है। अब पोस्ट सीन इसका नहीं है, एक्स्ट्रा पोस्ट सीन तो मान सकते हो। जब आशीर्वाद सेरेमनी होती है तो वहां पे जनक को भी जल्दी लेकर के आया होता है लेकिन हप्पू हर एक मोमेंट पे तमाशा क्रिएट करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं मैं तो भाई सपोर्ट करता हूं क्योंकि जो बातें बोलती है ना वो दिल से बोल रही होती है। उसको लगता है कि अनुरोध आज झनक तुमसे दूर हो जाएगी और तुम उसको इस घर में नहीं रोक सकते। तो बोलता है कि हप्पू दी मैं क्या करूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत चिंतित भी होता है बेचारा। वहाँ पे छोटन भी आता है लेकिन जब झनक को देखता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि झनक वाकई बहुत प्यारी लगड़ी होती है, मतलब माँ का संभवाल। अब यहाँ पे ना सेरेमनी तो स्टार्ट हो जाती है, जो गिफ्ट्स होते हैं वो सभी एक एक करके दे रहे होते हैं। जब बारी आती है कि तुम्हें अब आशीर्वाद लेना होगा अभिनाश से, तो मना कर देती है, वो उसका पैर छूना नहीं चाहते। लेकिन जब अनुरोध आता है तो उसके चरणों में गिर जाती है, वो रोने लगती है, वो खुद की फीलिंग्स को बताना चाहती है लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजों से अनुरोध भी पिघल जाता है। उसके दिल की बात जो होती है ना वो जुबा पे आती तो फिर भी वो अपनी फैमिली की इज्जत समझ करके चुप रहता है। उसे लगता है कि अगर मैंने झनक से प्यार किया तो मैं अर्शी के साथ धोखा कर दूंगा, तो इस चर्चा की मैं अभी नहीं बोल सकता कुछ भी। खैर खड़ा हो जाता है, जो भी महंगे महंगे तोहफे आते हैं जो झनक को पहनाए जाते हैं तो इसका नजर सिर्फ और सिर्फ अनुरोध पे ही होता है। हालांकि अविनाश को भी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं अनुरोध को पसंद करती है। तो एक देखो उसके दिल में भी छोटा छोटा है हरामी है लेकिन वो तो तेजस के लिए काम करता है ना, लेकिन फिर भी वो एक इंसान है और प्यार का महत्व समझता है और तेजस ये लड़की अच्छी है तो इसका गलत फायदा जरूर उठाएगा।
तो मुझे कुछ करना ही होगा। और ये सारे प्लॉट्स ना जो होंगी वो नेक्स्ट लेवल मजेदार होने वाले हैं, तो बवाल तो होगा। खैर इसके एक्स्ट्रा प्लॉट जरूर देखने को मिलेंगे और नए प्रोमो भी, क्योंकि फिलहाल इससे तो काम चलने वाला है नहीं। बिना एक्स्ट्रा प्लॉट आने वाली स्टोरी जस्टिफाई नहीं होगी कि क्या वो किडनैपिंग का जो प्लान था वो वाकई में काम करता भी है, ये क्या किडनैप करते भी है या फिर इनकी कुछ और ही प्लानिंग है। खैर जो भी चीज़ होने वाली है नेक्स्ट लेवल और मजेदार होगी, तो बवाल तो होगा यार, मजा भी आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि शायद आने वाला एपिसोड मजेदार हो।